तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम आपको रांची से 15 किलोमीटर दूर लेके आ चुके हैं रातू किला, और आज हम आपको रातू किला घुमाने वाले हैं, क्योंकि ये रातू किला दशहरा में ही सिर्फ यहाँ पे गेट खोला जाता है आम लोगों के लिए। और आज हम आपको रातू किला के अंदर लेके चलेंगे और दिखलाएंगे कि रातू किला होता कैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि शकील भाई रातू में जो किला है उसका एक वीडियो ले गए। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, हम आपको आज इस वीडियो में पूरा रातू किला घुमाने वाले और दिखलाने वाले कि कैसा है ये राजा रजवाड़ा वाला रातू किला। बस आप लोग वीडियो में बने रहे, बिल्कुल वीडियो को स्किप न करें। चैनल पहली बार ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि रांची से हर अपडेट वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहे। चलिए धमाकेदार फॉलो करते हैं, आपको लेके चलते हैं इस किले के अंदर। सो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, इस दशहरा में जो खुलता है ये गेट, ये किला का काफी बड़ा ये किला बनाया गया है राजा रजवाड़ा का। कहा जाता है कि ये साल दो साल नहीं 100 साल पुराना ये किला है। और यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं, कितना ज्यादा भीड़ है लोगों का, क्योंकि आज नौमी है, दशहरा का आज नौमी है, और ये गेट सिर्फ 3 दिन के लिए खुलता है आम लोगों के लिए, बाकी बाद ऐसे पूरे साल ये गेट बंद रहता है। तो आज देखो तो भीड़ कितना ज्यादा भीड़ आपको नजर आ रहा था। तो वीडियो में बने रहे, आज हम आपको इस किले के अंदर लेके चलने वाले आप लोग, क्योंकि आज नौमी है और दशहरा के लोग बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर घूमने आते हैं इस किले के अंदर में। हम आपको आगे किले में लेके चलने वाले हैं। तो दोस्तों फिलहाल पहुंच चुके हैं हम लोग ये रातू किला का मेन गेट के पास, और ये सामने देख रहे हैं ये रातू किला का मेन गेट है, और ये इतना बड़ा ये मेन गेट आपको देखने को मिल रहा है। ओ भाई साहब, ये किला देख सकते हैं कितना बड़ा, ये हेवी, ये बड़ा किला है, बहुत ही जबरदस्त। और हम आ चुके हैं इस किले के अंदर में और दिखलाने वाले हैं इस किले का नजारा। और यहाँ पे सामने देख रहे हैं एक बहुत ही पुराना और बड़ा यहाँ पे कुआं है, और लोग काफी ज्यादा इस कुएं में सेल्फी ले रहे हैं। चल के देखते हैं इस कुएं में पानी है या नहीं। तो वीडियो में बने रहे, आज हम आपको रातू किला पूरा घुमाने वाले हैं और आप लोगों को आज दिखलाने वाले हैं कि इस किले के अंदर में क्या कुछ खास है आप लोग। और पहले यहाँ पे भीड़, इतना ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पानी भी है, ये राजा वाला कुआं आपको नजर आ रहा होगा सामने में। और ये देखा इतना बड़ा ये गिरनी है, यहाँ पे रस्सी लगा हुआ है यार, गिरनी है, देखा लोगों का भीड़, इतना ज्यादा भीड़ है इस कुआं को देखने के लिए। ये राजा रजवाड़ा वाला कुआं आप देख रहे हैं, और भाई इस कुएं का पानी काफी ज्यादा भरा हुआ है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गिरनी लगा हुआ है, और भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे कितना ज्यादा लोगों का भीड़ है, क्योंकि इस कुएं का अभी उपयोग होता है, यहाँ पे गिरनी लगा हुआ है। और आप लोग बता दूं कि इस किले के अंदर में दुर्गा पूजा का पूरा कार्यक्रम भी होता है, और दुर्गा पूजा का यहाँ पर दुर्गा जी का बहुत बड़ा प्रतिमा भी लगा है। तो सारा कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को दिखलाने वाले हैं, बस आप लोग वीडियो में बने रहे। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक झंडा ऊपर नजर आ रहा होगा जिसमें नाग बना हुआ है, ये रेड कलर का झंडा है, वहाँ पे नाग बना हुआ है। और कहा जाता है कि इस झंडे के बगल में बलि दिया जाता है, भैंस का बलि दिया जाता है। तो उस जगह भी आपको दिखलाने वाले हैं, इसी में भैंसों को बांध के बलि दिया जाता है। भाई बहुत ही जबरदस्त बलि लगता है, हो चुका है, हम लेट पहुँचे, और यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा लोगों का भीड़ है इस जगह में, भीड़ देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे आपको गार्डन, बगीचा सारा कुछ देखने को मिलेगा। और सामने में है दुर्गा जी का प्रतिमा, जो कि बहुत ही बड़ा प्रतिमा बनाया जाता है। और यहाँ पे देखते बिल्डिंग, ये बिल्डिंग नहीं किला है, ये पूरा तरीके से एक तरीके से कहा जाता है ये 102 साल पुराना ये किला है, जिसे लोग कहते हैं। और आज भी इस किले में लोग रहते हैं, राजा रजवाड़ा के जो वंशज लोग हैं वो लोग रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वीडियो में बने रहें, आज हम आपको इस वीडियो में इस किले का सारा नज़ारा दिखलाने वाले। तो सबसे पहले चलिए आपको लेकर चलते हैं दुर्गा माँ का मंदिर, जहाँ प्रतिमा लगा हुआ है उसके अंदर, के इस प्रतिमा के सामने का नज़ारा देखें। चलिए और इसके अंदर लेकर चलेंगे।
और भीड़ दिखाने की कोशिश करते हैं कितना ज्यादा लोगों का भीड़ है। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग आ चुके हैं इस मंदिर के अंदर। ये मंदिर कहा जाए क्योंकि यहाँ पे दुर्गा जी का प्रतिमा लगा हुआ है और काफी खूबसूरत ये प्रतिमा आपको देखने को मिल रहा होगा। और देख सकते हैं यहाँ पे दुर्गा जी का प्रतिमा बहुत ही बड़ा बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिणा वगैरह यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पे धागा बांधा जा रहा है भाई। और यहाँ पे देखते हैं ये राजा रजवाड़ा लोग जो है इस पूरे तरीके से मंदिर को बनाया गया। ये मंदिर है और इस वजह से बहुत सारे भगवान लोग यहाँ पर अच्छी तरह आपको देखने को मिल रहा है। फ्रेम करके यहाँ पे लगाया गया है चारों तरफ, देख सकते हैं आपको यहाँ पे सिर्फ आपको फोटोग्राफी देखने को मिल जाएगा, हर भगवान को यहाँ पर फोटो मिलने वाला है। सो दोस्तों देखा यहाँ पे दुर्गा जी का प्रतिमा आपको देखने को मिला हुआ। अब आपको लेकर चलेंगे बाहर की तरफ और बाहर का नज़ारा दिखलाएंगे कि बाहर कैसा है। और आज नवमी के दिन ये आम लोगों के लिए खोला जाता है ये किला, और पूरे साल आम लोगों के लिए बंद रहता है। यहाँ प्रवेश बिल्कुल नो एंट्री है और आज खुला है, इसीलिए देख रहे हैं लोगों की भीड़ कितना ज़्यादा भीड़ है। और देख रहे खूबसूरत कितना खूबसूरत ये किला बनाया गया है, रातू का ये किला आप देख रहे हैं। ये अगर आप किसका मोड़ की तरफ से आते हैं पंडरा होते हुए तो ये रातू किला आपको देखने को मिल जाएगा। और सो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको पार्क देखने को मिलेगा, ये राजा रजवाड़ा का पार्क कितना खूबसूरत और कितना बड़ा ये है। और दोस्तों ये किला जो है ना बहुत ही बड़ा एरिया में बनाया गया है, वो चारों तरफ देख सकते हैं आप लोग भीड़ कितना ज़्यादा भीड़ है। और हर लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं इस किले में, क्योंकि ये किला साल में एक ही बार खुलता है। और ये देख रहे कितना बड़ा ये किला है, बहुत ही ज़बरदस्त ये किला बनाया गया है और हम भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं अब हम लोग किले का दूसरे साइड में आ चुके हैं और ये सामने जो नज़ारा देख रहे हैं ना ये किले का दूसरे साइड का नज़ारा है। और यहाँ पे बहुत ही मोटा मोटा दीवार वाला बड़े मजबूत पिलर वाला ये घर देखने को मिल रहा है। और कहा जाता है कि ये राजा रजवाड़ा का जो नौकर लोग रहते थे ना तो इसमें रहते थे, इस घर के अंदर में इस राजा रजवाड़ा के जो काम करने वाले खाना बनाने वाले लोग रहते थे ना इसमें रहते थे। और वो साइड में किला है और ठीक उसके बगल में यहाँ पे ये छोटा सा झोपड़ी आपको देखने को मिला, झोपड़ी नहीं इसे बहुत ही बड़ा एक घर ही कहा जाता है, कह सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में। सो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को पूरा ये किला घुमा रहे हैं, बस आप लोग वीडियो में बने रहे और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो अभी तक आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि आज हम आपको रांची से 15 किलोमीटर दूर रातू किला दिखला रहे हैं और फिलहाल दिख रहे हैं लोगों का भीड़ कितना ज़्यादा लोगों का भीड़ है। सो दोस्तों अब हम लोग चलने वाले हैं किले के पीछे साइड में और देखते हैं किले के अंदर में क्या क्या कुछ खास है। भाई वीडियो में बने रहे, आज आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और यहाँ से हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ और देखते हैं किले के अंदर में कैसे लोग रहते हैं राजा रजवाड़ा लोग। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में आप लोग को। और फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं इस किले के अंदर और भाई यहाँ पे देख सकते हैं जो राजा रजवाड़ा लोग रहते थे ना पहले उसका यहाँ पे किस यहाँ पे तस्वीर देखने को मिल रहा होगा। और देख सकते हैं यहाँ पर जो राजा रजवाड़ा लोग रहते थे, नाम तो पता नहीं है और लेकिन देख सकते हैं फोटो। और ये देख रहे हैं इतना बड़ा ये डाइनिंग टेबल, ये सामने डाइनिंग टेबल नजर आ रहा होगा आप लोग। सो दोस्तों देख सकते हैं इस किला का ये पूरा मैप दिया गया है, यहाँ पूरा मैप बनाया गया है कि किस रूट से क्या क्या होता है किधर जाना है, ये पूरा देख सकते हैं ये पूरा मैप बनाया गया भाई, बहुत ही ज़बरदस्त ये मैप है और इसके अंदर कुछ है। तो वीडियो में बने रहे, हम आप लोग को आज इस किले के पूरे अंदर और बाहर घुमा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोग किला के दूसरे साइड में निकल चुके हैं और भाई यहाँ बोला जाता है ना कि यहाँ पे 100 से ऊपर कैमरा है, इस किले के अंदर में 100 से ज़्यादा कैमरा है और कोशिश करते हैं कि हम आप लोगों को उस कमरे के अंदर भी लेकर चलेंगे। फिलहाल देख सकते हैं ये साइड में कुछ है, इसके पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ किचन वगैरह कुछ है यहाँ पर। तो वीडियो में बने रहें, आज हम आपको पूरा ये किला घुमा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे वगैरह यहाँ पे लकड़ी लाया जा रहा है, इसका मतलब ये किचन साइड में।
ये इस किले का पीछे का नज़ारा आप देख रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे लकड़ी वगैरह जो है ना लेके जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे खाना पीना बनता है, प्रसादी सादी जो खाना पीना होता है यहाँ बन रहा है। और ये पीछे का एरिया आप देख रहे हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को पूरा रातू किला घुमा रहे हैं और फर्स्ट टाइम में हम भी इसके अंदर आए हैं क्योंकि रांची से 15 किलोमीटर दूरी में है ये रातू किला और बहुत ही बड़ा ये रातू किला आपको देखने को मिल रहा होगा। देख सकते हैं अभी हम लोग फिलहाल पीछे में, ये पीछे साइड का नज़ारा आप देख रहे हैं इस किले का, भाई बहुत ही मज़ेदार सीन देखने को मिल रहा है। और ये साइड भी देखते हैं क्या कुछ खास है। बस आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो आज थोड़ा सा लंबा होगा पर देखें जरूर क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। और इधर देख रहे हैं कितना भीड़ है यहाँ पे, लोगों का भीड़ देख रहे हैं कितना ज़्यादा भीड़ है क्योंकि ये यहाँ पर क्या है भाई, देखने को अंदर जाकर पता चलेगा ये गार्डन है या कोई जू है ऐसा कुछ लग रहा है। तो वीडियो में बने रहें, हम आपको इसके अंदर लेके चलेंगे। सो दोस्तों इसके अंदर में जो है ना राजा रजवाड़ा का देसी विदेशी परिंदा यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, जैसे कि कबूतर हो गया, हंस हो गया और बहुत सारा ऐसा परिंदा है। तो चलिए हम आपको आगे दिखलाते हैं क्या क्या है इस पिंजरे के अंदर में। और देखो यहाँ पे भाई देख सकते हैं यहाँ पर येल्लो पैरोट देखने को मिल रहा है, पहली बार येल्लो पैरोट देखे हैं। और यहाँ पे देख रहे भीड़ कितना ज़्यादा लोगों का भीड़ है भाई, इसके अंदर क्या है वो भी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फिलहाल पानी नजर आ रहा है और ये इतना बड़ा हंस, इसमें देख सकते हैं हंस कितना बड़ा, ये हंस बतख आपको देखने को मिल रहा होगा। ओ भाई देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा ये हंस है, ये राजा रजवाड़ा का ये हंस, इतना मोटर कितना बड़ा ये हंस देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं दूसरे तरफ, वीडियो बने रहें। और ये एक छोटा सा पुल जहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी पॉइंट जैसा बनाया गया है, बहुत ही भीड़ है लोगों का। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे खरगोश जाली में बंद, ये खरगोश और लोगों का भीड़, इतना ज़्यादा लोगों का भीड़ यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा पहाड़ ही बनाया गया है और ये जो है ना झरना वरना जैसा बनाया गया था लेकिन अभी पानी वगैरह यहाँ नहीं चल रहा। और लोगों का भीड़ देख रहे थे कितना ज़्यादा लोगों का भीड़ है, ये रातू किला अंदर का नज़ारा आप देख रहे हैं। सो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को पूरा ये रातू किला घुमा रहे हैं, बस आप लोग वीडियो में बने रहें। और भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा लोगों का भीड़ है, हर कोई इस किले का अंदर मज़ा ले रहे हैं। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं सामने में और दिखलाते हैं कितना कमरा यहाँ पर, सारा कमरे के अंदर जाने की कोशिश करें। सो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा रातू किला घुमा रहे हैं और जैसा कि आप लोगों को दिखलाया कि यहाँ पे गार्डन है और परिंदा है, खरगोश है, बहुत सारा परिंदा और जानवर भी पाल कर रखा है राजा रजवाड़ा का, भाई कहानी अलग है। और ये बहुत ही बड़ा जगह में ये बनाया गया है और अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एक जंगल के जैसा बाग बगीचा बना हुआ है। यहाँ पे देखते हैं फूल वगैरह यहाँ पर पेड़ पौधा छोटा छोटा है और यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा पेड़ इसके अंदर में है। और आज हम इस वीडियो में आप लोग को पूरा ये किला घुमा रहे हैं और देखें अंदर का नज़ारा कितना ज़बरदस्त, ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि आज दशहरा का नवमी है और ये 2-3 दिनों के लिए खुलता है, उसके बाद फिर ये पूरे साल बंद हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग काफी अच्छा काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है फिर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पहली बार आता है ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि रांची से हर अपडेट वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।